तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सपोर्ट, रेजिस्टेंस और टाइम फ्रेम के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, आपको बहुत ही अच्छे से और आसानी से समझ में आ जाएगा और कभी इसको आप भूलेंगे नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं जिस फ्लोर पर खड़ा हूँ, ये फ्लोर मेरे लिए अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। इसका मतलब ये फ्लोर मुझे नीचे गिरने नहीं दे रहा है, बेस फ्लोर पर जाने नहीं दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर कोई बॉल भी नीचे की तरफ पटकूंगा तो वो बॉल भी नीचे की तरफ जाएगा और इस फर्श पर टकराने के बाद वापस ऊपर की तरफ आ जाएगा। इसका मतलब ये फर्श क्या कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है, नीचे नहीं जाने दे रहा है। सिमिलरली मार्केट के अंदर भी ऐसा ही होता है। अगर प्राइस नीचे बार बार गिर रहा है और किसी प्राइस पॉइंट पर आने के बाद वापस प्राइस ऊपर की तरफ चलने लग जाता है तो उस वाले लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, सपोर्ट लेवल बोलते हैं। अगर प्राइस उस सपोर्ट लेवल को बाय द वे ब्रेक करके नीचे चला जाता है तो वो सपोर्ट लेवल उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। कैसे, अगर मैं इस बेस पॉइंट को, मतलब इस फ्लोर को ब्रेक करके नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पर चला जाऊं तो ग्राउंड फ्लोर पर जाने के बाद ये जो अभी सपोर्ट का काम कर रहा है वो बाद में मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी कि ऊपर नहीं आने देगा। सेम इसी तरह से मार्केट के अंदर भी होता है। अगर प्राइस किसी सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे चला जाता है तो वो सपोर्ट लाइन अब बाद में उस प्राइस के लिए रेजिस्टेंस का काम करने लगता है। दूसरा केस क्या, ये ऊपर की तरफ जो हमारा छत है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है अभी। मतलब अगर प्राइस बार बार ऊपर की तरफ जा रहा है और किसी प्राइस पॉइंट पर आने के बाद अगर प्राइस बार बार नीचे की तरफ रिजेक्शन मिल रहा है उस प्राइस को, तो वो वाला पॉइंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस पॉइंट हो जाएगा। जैसे अगर मैं ऊपर की तरफ अगर कोई बॉल फेंकूंगा तो वो छत से टकरा करके वापस नीचे की तरफ ही आएगा, छत के ऊपर पार नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में ये वाला छत हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। बाय द वे, अगर प्राइस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो वही रेजिस्टेंस बाद में उस प्राइस के लिए क्या हो जाएगा, सपोर्ट का काम करने लग जाएगा। इसका मतलब अगर हम लोग इस छत को ब्रेक करके ऊपर चले जाते हैं, छत के ऊपर चले जाते हैं, तो यही छत हमारे लिए क्या हो जाएगा, सपोर्ट का काम करेगा, यानी कि नीचे गिरने नहीं देगा, उस छत से नीचे हम लोगों को इस फ्लोर पर आने नहीं देगा। तो सेम इसी तरह से मार्केट के अंदर भी होता है। अगर प्राइस किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो वो जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था पहले, वो बाद में सपोर्ट का काम करने लग जाता है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब मैं आपको समझाता हूँ टाइम फ्रेम के बारे में। तो देखिए, टाइम फ्रेम हर एक टाइम के लिए अलग अलग होता है। जैसे एक मिनट, दो मिनट, पाँच मिनट, दस मिनट, एक घंटे, दो घंटे, चार घंटे, एक वीक का भी होता है, मंथली चार्ट में भी होता है हमारा टाइम फ्रेम। तो अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम देखते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया बनता है, उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक करना मार्केट के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। मतलब बहुत आसानी से नहीं टूटता है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सेम इसी तरह से अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनेगा उसको ब्रेक करना थोड़ा आसान रहेगा उस मंथली के मुकाबले, ठीक है। अगर हम लोग एक घंटे का टाइम फ्रेम देखते हैं, एक घंटे के टाइम फ्रेम में जो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया बनेगा, उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक करना आसान हो जाएगा उस वीकली वाले के कंपेरिजन में। सिमिलरली हम लोग जैसे जैसे कम अपना टाइम फ्रेम करते जाते हैं, यानी कि पाँच मिनट का देखते हैं, एक मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं, तो वो बहुत ही आसानी से इजीली मार्केट उसको ब्रेक कर जाता है। तो मतलब एक मिनट का अगर हम लोग टाइम फ्रेम देख रहे हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हुए हैं तो ज़्यादातर चांसेस है कि वो बहुत ही जल्दी ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह से टाइम फ्रेम को भी आपको देखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर ये छत कागज़ का बना होता, यानी कि एक मिनट दो मिनट का टाइम फ्रेम अगर हमने सेलेक्ट किया है और उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड किए हैं, तो वो किस तरह से रहेगा, जैसे ये छत हमारे लिए क्या है, कागज़ का है। मतलब ये हमारा रेजिस्टेंस है, कागज़ का बना हुआ है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसको ब्रेक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। सिमिलरली मार्केट के अंदर भी होता है, अगर एक दो मिनट का, पाँच मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं और उसमें कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है तो वो हमारे लिए तोड़ना आसान हो जाएगा, मार्केट उसको बहुत ही ईजिली ब्रेक कर पाएगा। आई होप कि आपको इस वीडियो से जरूर वैल्यू मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।